नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आज हम इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2025 की। जी हाँ, और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो बच्चे या बच्चियाँ नीट 2025 की तैयारी कर रही हैं, नीट को क्रैक करना उनका सपना है, तो वो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। साथ साथ में हम आपको नीट 2025 की एग्जाम डेट यानी नीट 2025 का एग्जाम आपका कब होगा इस वीडियो में ये भी बताएंगे। तो जो भी बच्चे बच्चियां नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए ये चैनल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय समय पर मैं जो भी अपडेट आते रहते हैं इस चैनल में देता रहता हूँ। तो ऐसे बच्चे बच्चियाँ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है उनको टाइम पर मिल सके। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नीट 2025 की। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th एग्जाम अभी हाल में ही पास किया है, या ऐसे बच्चे जो 12th आपका अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे दोनों बच्चे आपका नीट 2025 का एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते उनकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो। तो बहुत सारे नए बच्चे हैं, इनको बहुत सारी जानकारी नहीं है, तो आज इस वीडियो में मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा, कुछ और बातें भी बताऊंगा, महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो नीट जैसा एग्जाम अब निरंतर जो है वो इसका कट ऑफ बढ़ रहा है। यदि हम नीट 2023 की बात करें तो लगभग 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, और पेपर आपका मिश्रित रहा है। कुछ क्वेश्चन आपके कठिन थे तो कुछ क्वेश्चन काफी सरल भी थे। तो जिस तरह से मेडिकल सर्वे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, तो उनका ये मानना है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। और अब हम बात करेंगे कि इसमें एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का क्या पैटर्न है। तो इस एग्जाम आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। जी हाँ, बड़ा एग्जाम है तब भी इसको ऑफलाइन मोड पर किया जाता है। और जो नया पैटर्न है उसके अनुसार इसमें जो है वो 200 क्वेश्चन रहते हैं, यद्यपि 180 क्वेश्चन ही बच्चों को करने होते हैं। तो यदि हम बायो के लिए जूलॉजी बॉटनी, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमको 90 क्वेश्चन करने होते हैं। 50-50 क्वेश्चन का खंड होता है जूलॉजी का और बॉटनी का। इसमें खंड ए और बी होते हैं, तो खंड ए से हमको सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, और खंड बी में आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से हमको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यही पैटर्न आपका जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री में रहता है। इस प्रकार से आपके टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन आपका जो है वो 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है। और यदि इसमें माइनस मार्किंग भी है, बता दें हम, लेकिन बहुत बड़ी माइनस मार्किंग नहीं है, सबसे छोटी माइनस मार्किंग है इसमें, वो है 1/4। मतलब ये है कि यदि एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और गलत होने पर जो है वो एक क्वेश्चन आपका, एक नंबर आपका जो है वो कम होता है। इस तरह से 720 नंबर में जो आपके ST, SC, OBC और जनरल कैटेगरी के हैं, EWS के हैं, इनके लिए अलग अलग मेरिट तैयार की जाती है। और मैंने कट ऑफ मार्क्स भी कुछ वीडियो में बताए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों के मन में पहले से ही ये बात भर दी जाती है कि बेटा नीट एग्जाम जो है वो कठिन एग्जाम है, तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रेशर उन पर बन जाता है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं इस कमियों को जो है वो और बढ़ा देती हैं, समस्या को बड़े बड़े नोट्स दे करके, मोटे मोटे नोट दे करके, क्योंकि नोट्स देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो करीब काफी भारी मात्रा में फीस वसूलते हैं। जैसे कि फीस आपकी 1.25 लाख से लेकर के आपकी 1.5-2.5 लाख तक की फीस हो सकती है आपकी। तो इस फीस को लेने के लिए बहुत सारा मैटर आपको दे दिया जाता है, इम्पोर्टेंट मैटर कह करके, लेकिन ये बच्चे इसके उलझन में फंस जाते हैं और कई वर्षों तक नीट की तैयारी करते हैं, अंततः उनको निराश होना पड़ता है। तो जैसा हमारा थंबनेल का टॉपिक है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें,
तो आपको क्या पढ़ना है, तो ये बात पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी है। अभी जो पेपर 2023 का हुआ है उसमें करीब 96% क्वेश्चन आपके जो है वो आपके 11th 12th की जो एनसीईआरटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो उसी के अंदर से आए हुए हैं। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि हमको सबसे पहले आपकी जो 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो एनसीईआरटी की मूल पुस्तक आपकी आती है सरकार द्वारा एनसीईआरटी द्वारा, तो उसी को आपको जो है सबसे पहले पढ़ना है और उसको कई बार पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि उसके जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे क्लियर ना हो जाए। अभी एक वीडियो हमने डाला है उसमें हमारे जो सर हैं डॉक्टर राजीव सर, तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया, उसने हम लोगों के दिल को प्रभावित भी किया और उससे भी आप जो है सीख ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी ही पढ़ें, बार बार पढ़ें, ना कि बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं आधी अधूरी पढ़ते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि मान लीजिए एक कील है और उसको हम दीवार पर ठोकना चाहते हैं, तो अगर हम उस कील को रख करके और एक बार हथौड़ा मारते हैं तो वो कील दीवार पर नहीं लगती है, फिर हम अगला ट्राई करते हैं दूसरी जगह पर लगा करके फिर हथौड़ा मारते हैं वो कील जो है वो नहीं लगती है, लेकिन आगे चल करके हम कील को लगा करके उसमें कई बार हथौड़ों से वार करते हैं तो वो कील जो है वो दीवार में लग जाती है। तो इससे यही एग्जाम्पल है कि हमको जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उसको हमको बार बार पढ़ना है, जिस तरह से हम कील गाड़ने के लिए बार बार हथौड़ा मारते हैं उसी तरह से हमको बार बार पढ़ना है। तो स्वाभाविक रूप से हमको कौन सा मैटर किस पेज में है ये भी हमको जो है वो एक प्रकार से ध्यान में हमारे आ जाएगा। तो केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, और दूसरा जो है कि हमको क्या करना है, हमारा जो एग्जाम है पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हमको कहीं रट के लिखना नहीं होता है 11 12 की तरह। तो यदि हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ा है, दो चार बार पढ़ा है, भले ही उसको हम कहीं पे लिख नहीं सकते हैं लेकिन उससे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो सामने जो फैक्ट होते हैं उसके आधार पर हम 100% कह सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो इसमें आपको दूसरा स्टेप जो है वो आपको है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जब कोई टॉपिक आप पूरा करें उसको बार बार पढ़ करके और उसके बाद आप जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक के लगाएं, जितने से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना सुधा आपका जो है उस विषय पर पकड़ मजबूत होगी। और ये भी देखा गया है कि कई ऐसे क्वेश्चन जो आपने पहले से लगाए हुए हैं और हूबहू वही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में भी मिल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाना काफी सरल होता है और हमारा जो है वो इसमें टाइम भी बचता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, खासतौर से नए बच्चे इन्होंने 12th का भी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी नीट दे सकते हैं, जिन्होंने 12th पास किया है वो भी नीट दे सकते हैं। तो यदि वो ये तकनीकी अपनाते हैं ना कि बहुत मोटी मोटी पुस्तकें बाजार में भारी मात्रा में अवेलेबल हैं वो, तो अगर वो उनके चक्कर में पढ़ते हैं तो किसी भी बुक को वो अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमको केवल पहली बार फर्स्ट बार और बार बार हमको एनसीईआरटी की जो आपकी 11 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है मूल किताब ना कि रेफरेंस बुक, उसी को हमको बार बार पढ़ना है। और निसंदेह रूप से कई बच्चों ने इसका प्रयोग किया है, वो बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़े हैं तो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और आज वो MBBS कॉलेजों में एडमिशन लेकर के और MBBS कर रहे हैं। तो ये मेरा काफ़ी वर्षों का अनुभव है, कई बच्चों से हमने बात भी की इस तरह से। तो अपनी तैयारी में पहले जो है टारगेट अपना डिसाइड होना चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं कि नीट 2025 की एग्जाम डेट कब हो सकती है। तो जी हाँ, जो NTA द्वारा एक इस तरह का निर्देश है कि नीट जैसा एग्जाम जो है वो मई माह के फर्स्ट संडे को आयोजित होगा। तो यदि हम 2025 का हम कैलेंडर देखें मई माह का, तो उसमें आपका 4 मई 2025 को मई माह का जो है पहला संडे पड़ रहा है और इसी संडे को आपका एग्जाम होगा। तो हमारा टारगेट डिसाइड है कि, और ये मई माह ही चल रहा है तो लगभग हमको एक वर्ष का समय मिल रहा है इसमें, और एक वर्ष में यदि हम रणनीति के तहत नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करें तो नीट जैसा एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको,
इस वीडियो को अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उस हर बच्चे के पास जो नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने की या तैयारी करने के बारे में सोच रहा है उस तक पहुंच सके। तो आज वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और एक बात, यदि आप नीट से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा नंबर आप नोट कर लें, 930-281-2239। तो इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारा नीट 2025 को टारगेट करके एक हमने डॉपर बैच स्टार्ट किया है, बहुत न्यूनतम फीस में स्टार्ट किया है, ताकि ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों की आमदनी अधिक नहीं है तो वो भी वो आपका डॉपर बैच हमारा कर सकते हैं। तो उसके संबंध में भी आप हमसे जानकारी इस फोन नंबर पे जो हमने बताया है उस पे आप ले सकते हैं। तो आज यहीं तक। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग दीवा, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नमस्कार।